शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। बड़े प्यारे बच्चे, थैंक यू। आज तुमने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। बचपन में मैं एकदम तुम्हारी तरह दिखता था। हाय, I'm सूरज धनराजगीर। I'm कबीर धनराजगीर। Nice to meet you। मैं आपका बेटा हूँ। अच्छा ये बता, तेरी माँ का क्या नाम है? पूजा बच्चन। पूजा बच्चन, अच्छा हुआ अमिताभ बच्चन नहीं बोला। ये बता, तुझे मेरा पता दिया किसने? तू यहाँ आया कैसे? नानी ने मरने से पहले मुझे कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पते पर चले जाना। एक एयर होस्टेस आंटी थी मेरी मम्मी की दोस्त, वो मुझे यहाँ पहुंचा गई। तो चल मेरे साथ, कम ऑन। कबीर तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा बिस्तर बन चुका है। और सैंडी तू हिलना नहीं और भौंकना नहीं, तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, सुबह तक कैंडी बन जाएगा। डैड, एक बात पूछूं? तुझे कितनी बार बोला मुझे डैड मत बुलाकर? ओके, नहीं कहूंगा। पूछो, क्या पूछना है? वो बुड्ढा जो मिला था, वो आपके दादाजी हैं? क्या? तमीज से बात करो। हाँ, वो मेरे दादाजी हैं। इसका मतलब वो मेरे दादाजी हैं? अगर तुम मेरे बेटे हुए तो। आपको मुझ पर अब भी शक है? गुड नाइट। गुड नाइट डैड। सॉरी, गुड नाइट सर। अब आप चुपचाप सो जाइए। तुझे कितनी बार मैंने बोला कि रूम से बाहर मत निकला कर। चिल्लाइए मत, कोई सुन लेगा। मुझे भी चिल्लाना आता है। तो सुन, अगर तुझे बाहर किसी ने देख लिया होता तो आप फंस जाते डैडी। मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मुझे डैडी मत बुलाया कर, मत बुलाया कर डैडी। उठा अपने पालतू कुत्ते को और चल। कम सैंडी। मदद करूँ क्या? जरूरत नहीं है। तुमने इसे सॉल्व कर दिया? यस मैम। वेरी गुड, द पेपर्स प्लीज। थैंक यू।
मिस्टर डनराजगिर, आपका बच्चा तो जीनियस है। ऐसा बच्चा को एडमिशन देकर मुझे बहुत खुशी होगी। आप नेक्स्ट मंडे आइए, एडमिशन हो जाएगा। तो माय डियर, आपकी सारी शॉपिंग हो गई है। Shoes, bags, books, medicines, clothes, stationery, tiffin box, water bottle, crayon, school bag. अरे, तुम मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? एक बात पूछो। पूछो। आप मम्मी को बहुत प्यार करते थे। हाँ। फिर आपने मम्मी से शादी क्यों नहीं की? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, उन्हें क्यों छोड़ दिया? अब मैं तुझे क्या जवाब दूँ? अच्छा ये बताइए, मम्मी कैसी लगती थी? बहुत अच्छी। मेरा मतलब देखने में कैसी थी? तुम्हें याद नहीं तुम्हारी मम्मी कैसी थी? मैं तो बहुत छोटा था जब वो मर गई। मुझे तो मेरी नानी ने पाला है। कैसी थी मेरी माँ? उसके बाल एकदम छोटे छोटे थे, सुनहरी कलर के। उसकी आंखें मोती की तरह बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी नाक छोटी सी, क्यूट सी नाक, बिल्कुल तेरी तरह। थोड़ी सी सांवली थी, लेकिन चेहरे पे कोई दाग या तिल नहीं था। उसके होंठ बड़े प्यारे से थे, उसकी उंगलियां। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? सब झूठ बोला आपने। मेरी मम्मी वैसी नहीं थी जैसे आपने बोला। ऐसी थी मेरी मम्मी। आपको तो मेरी मम्मी की शक्ल तक नहीं याद है, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको अपना डैडी बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया। अब और कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे आकर मिलने की जरूरत नहीं है। मैं रह लूंगा अकेला जैसे आज तक रहता आया हूँ। कबीर, कबीर, गुड मॉर्निंग कबीर, गुड मॉर्निंग सैंडी। कबीर, I'm sorry. I'm sorry. Kabir, I'm sorry. It's all right.
थैंक यू। अब जल्दी से नाश्ता कर लो और उसके बाद हम लोग पिकनिक पे चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे हॉस्टल छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, मैं और सैंडी चले जाएंगे। साला कुत्ता कहीं का। गुड सैंडी। अरे मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे आड़े, मेरे टेढ़े, चलना पिकनिक पे। मैंने कहा ना एक बार मैं नहीं जाऊंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप भी चलेगा। शॉर्ट्स, चल के सर। अभी तक सोए नहीं आप? मुझे अकेले में नींद नहीं आती, डर लगता है। फेरी टेल्स पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। फेरी टेल पढ़ने में नहीं, सुनने में बहुत अच्छी नींद आती है। और मेरा इस दुनिया में कौन है जो मुझे फेरी टेल सुनाएगा? आपकी मम्मी आपको कहानियां नहीं सुनाती थी? जब मैं बहुत छोटा सा था ना, तो मेरे मम्मी और मेरे डैडी एक प्लेन क्रैश में मर गए। हाँ, दादाजी ने बहुत कोशिश की कहानी सुनाने की, लेकिन जैसे वो अपना मुंह खोलते कहानी सुनाने के लिए, मैं सो जाता। मैं आपको कहानी सुनाऊं? एक था बाप और एक था बेटा। नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरी। एक था फादर और एक था सन। दोनों पिकनिक पर गए, बीच में टायर पंक्चर हो गया। तेरा सब इंतजाम कर दिया है, मैं वॉरंट को पैसे दे दिए तेरे पॉकेट मनी के लिए। चौकीदार से कहा है कि संडे के संडे तुझे सैंडी से मिलने ले जाएगा, मैं भी तुझे मिलने आऊंगा। जब भी तुझे मेरी याद आए या मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना। थैंक यू सर।
playground. Get the cricket gear. Then you can start playing. को जानते नहीं हो, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। उसे मालूम है कि मैं आपका कौन हूँ? नहीं, अभी नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे बता दूंगा। कब बताएंगे आप? कुछ ही दिनों में बता दूंगा। कुछ ही दिनों में तो आपकी शादी होने वाली है, फिर कब बताएंगे आप? तो शादी की बात बता दूंगा। नहीं, आप उससे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने मेरी माँ से शादी नहीं की। वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। और अगर वो नहीं मानी, उसने कहा कि मुझे घर से निकाल दो, तो क्या करेंगे आप? घर से निकाल देंगे मुझे? बताइए, बताइए ना। सूरज, अब आप यहाँ भी आ गई? आपको दिखाई नहीं देता हम दोनों जरूरी बात कर रहे हैं? प्लीज लीव। I'm sorry. कोमल, कबीर, बदतमीज। जैसे परेशान है ना सर, आपको डर है ना कि अगर मैं अपने और आपके रिश्ते के बारे में किसी को बता दूं तो आपकी शादी रुक जाएगी। इस डर को अपने दिल से निकाल दीजिए सर। मैं जानता हूं आप कोमल आंटी को बहुत प्यार करते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप मेरे डैडी हैं। और आप भी भूल जाइएगा सर कि मैं आपका बेटा हूँ। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है, एक धनराज खीर का वादा।